सबसे पहले सारे बाण भाइय ने ताऊ ताइय ने राम राम। वैद्य राजे श्याम जी याद हो रहे हैं। आज फिर कुछ नॉलेज लेते हैं। प्रणाम वैद्य जी। सभी दर्शकों प्रणाम। वैद्य जी आज किस रोग के ऊपर आप चर्चा करेंगे? जो जैसे माता बहन के चेहरे पे निशान हो जाते हैं ना, फोड़ा फुंसी, कील मौसे, या जैसे ब्लैक दबे हो जाते हैं, छाइयां बोलते जिसको, उसको खत्म करेंगे। उसका खत्म करने का नुस्खा बताऊंगा आज मैं। तो इसके लिए क्या क्या जड़ी बूटियाँ औषधि चाहिएगी वैद्य जी? जड़ी बूटियाँ मेरी ज़्यादा नहीं होती, कई बार मैं पहले बोलता हूँ सिर्फ 2-3 ही जड़ी बूटियाँ होती मेरी। लेनी है आपने कुटकी, 50 ग्राम कुटकी देनी है और 50 ग्राम चिरायता, असली वाला चिरायता होना चाहिए। इन दोनों मिला करके पाउडर बना लो और चौथाई चम्मच 1/4 भाग चम्मच का खाना खाने के बाद लीजिए। और एक इसके अंदर मैं लेप भी बताऊँगा। लेप के अंदर कुछ भी नहीं है, मुल्तानी मिट्टी है 100 ग्राम और मुलैठी वो है 50 ग्राम। इनको पीस ले, पीस के रख ले। ये आपका एक फेस पाउडर तैयार हो गया है। और लगाना कैसे है, इसके अंदर कच्चा दूध मिलाना है, जितना आपने यूज करना है, 1 चम्मच आधा चम्मच, वो चेहरे के हिसाब से डिपेंड रहता है। लगाने का टाइम क्या रहेगा इस फेशियल का? किसी टाइम भी लगा सकते हैं वो, जैसे रात को सोते वक्त या सुबह लगा ले, दिन में लगा ले, काम करते समय भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। और ठंडे पानी से ही धोना है? हाँ, साफ पानी से धो दे। हाँ, इसमें ध्यान जरूरी ये रखना है, कच्चा दूध मिलाना है, गर्म किया दूध नहीं मिलाना। दूध किसी भी का हो, गाय का हो, गाय का हो, भैंस का हो, कोई भी, दोनों दूध चलेंगे। अच्छा, तो इसके लिए विशेष कोई परहेज वगैरह या कुछ इस तरह की कोई? परहेज तो फास्ट फूड का मेन होता है, इसके अंदर तला हुआ चटपटा मसालेदार, इनसे बचाव करना चाहिए। और क्या होता है, ब्लड के अंदर गंदा, समझ लीजिए गंदा खून हो जाता है, ये साफ करता खून को, ब्लड प्यूरीफाई है। ठीक, यानी कि ब्लड को बिल्कुल साफ करता है। बिल्कुल साफ करता है। और चेहरे की छाइयां हैं, सब चेहरे के धब्बा है, छाइयां हैं, कील मौसे हैं, या फोड़ा फुंसी भी कहीं भी बॉडी पे भी, वहाँ भी काम करता है। ठीक। और कब तक इसका प्रयोग करना चाहिए वैद्य जी? ये ज़्यादा नहीं, बस महीना, 1 महीने तक ले सकता है इसको, यानी कि लगभग 30 दिन तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, कर सकता। हाँ, किसी से ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी कर सकता, बाकी साइड इफेक्ट कुछ नहीं इसका, ओनली जड़ी बूटी है। तो एक बार और बता देता हूँ, दोबारा फिर बता दे थोड़ा सा। हाँ, एक बार दोबारा फिर नोट कर ले। 50 ग्राम लेनी है कुटकी, 50 ग्राम चिरायता, इसको दोनों पाउडर बना लीजिए और 1/4 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद लीजिए। और हाँ, एक ध्यान रखना है, इसके खाने के बाद 1/2 घंटे तक कोई भी मीठी चीज़ ना खाएं, ये ध्यान रखें बस। और लगाने के लिए बता रहा हूँ, मुल्तानी मिट्टी 100 ग्राम, मुलैठी 50 ग्राम, और इनका पाउडर बना के और कच्चे दूध में मिला के लगाइए। चेहरा सुंदर, इतना गदर सुंदर हो जाएगा चेहरा, बड़ा अच्छा। और वैद्य जी आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। कई बार एक आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, वैद्य जी फ़ोन नहीं उठाते, रात को 10 या 11 बजे फ़ोन करेंगे तो फ़ोन नहीं हो सकता। आपका जो फ़ोन का टाइम वो बताएं पहले तो। मेरे पास फ़ोन करना समय है सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर नशियाम को 6 बजे तक, कि उसके बाद अपने काम होते, कई बार फ़ोन रख देते हैं, बच्चा ले लेता है तो नहीं उठा पाते फ़ोन। अच्छा, वैद्य राधेश्याम, ज्ञान तारा कॉलोनी, ज्ञान तारा रोड, नज़दीक बड़ी नहर, जींद। अच्छा, एक चीज़ और, मैं जैसे गदूद होते हैं उसकी दवा देता हूँ और 5-6 दिन मेरे जड़ दे देता हूँ। टाइफाइड है, मोती जारा है, फैटी लीवर है, या मान लीजिए संग्रहणी अल्सर है, माइग्रेन, इन सब की मैं दवाई देता हूँ। हाँ, मेरे पास आकर मिलना पड़ता है बस। किसी भी समस्या का निदान फ़ोन पे नहीं होगा, फ़ोन करने से आपको एड्रेस मिल जाएगा, फ़ोन वैद्यों से छोटी मोटी जो सलाह है वो हो जाएगी। अगर कोई गंभीर बीमारी है उसके लिए आपको वैद्यों से मिलना पड़ेगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो फेसबुक पे हैं तो पेज को फॉलो करें, और यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।